हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की अपडेट में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको लेकर आ चुका हूं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के साउथ दिल्ली वाले स्पर पे, यानी DNDKMP एक्सप्रेसवे के ऊपर, और आज दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से इसको यहां पर बनाया गया है। ये ऑलमोस्ट पूरा बनकर तैयार हो चुका है। इस महीने के एंडिंग तक 30 अक्टूबर तक यहां पे इसको खोला जाना है, तो कमर्शियली यहां पे आपको कनेक्टिविटी मिलने वाली है, आप इस पे राइड कर सकेंगे और इसका उद्घाटन होना है। तो ऐसे में ये चीज़ तो देखने बनती है कि यहाँ पे किस तरीके से काम किया गया है, किस तरीके से ये तैयार हुआ है और अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पे क्या कुछ सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो वीडियो को शुरू करता हूँ, लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं, भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज की अपनी इस अपडेट को। तो गाइस देखिए, अभी फिलहाल आप यहां पे क्रॉस कर रहे हैं दिल्ली हरियाणा बॉर्डर को और एंटर कर रहे हैं दिल्ली में। अब यहां पे आप इस अपडेट को समझ पाएंगे, पहले आप लोकेशन समझ लीजिए। फिलहाल हरियाणा से हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, यानी मीठापुर से होते हुए कालिंदी कुंज की तरफ बढ़ेंगे। दिल्ली सेक्शन की अपडेट दिखा रहा हूं, पैकेज 2 दिल्ली में भी है, हरियाणा में भी है। तो पहले दिल्ली की देख लेते हैं, आने वाले दिनों में हरियाणा की भी दिखाऊंगा। तो देखिए, फिलहाल मैं सर्विस लेन के पर चल रहा हूं और इस सर्विस लेन पे आप ध्यान दीजिएगा। फिलहाल आप सामने मार्किंग भी देख सकते हैं, मीठापुर साइड की, जैतपुर साइड की दी गई है, बोर्ड के ऊपर आपने देखा होगा। और अभी फिलहाल सर्विस लेन के ऊपर आप देखेंगे तो लेन मार्किंग का काम हो चुका है, फिनिशिंग दे दी गई है, ब्रेकर्स वगैरह भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं, बनाए गए हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो जो रोड की साइड में यहाँ पे बैरियर्स है ना, उनके ऊपर भी पेंटिंग का काम कर लिया गया है। आगे बढ़ते हुए आप देखेंगे तो यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट आपको मिलता है। एंट्री एग्जिट पॉइंट का यहाँ पे आप पूरा ओवरऑल समझ लीजिए किस तरीके से दिया गया है आपको, ताकि आप इससे कनेक्टिविटी ले सकें और आप यहाँ पे किसी तरीके की दिक्कत में ना फंसें। तो देखिए, यदि आप आ रहे हैं फरीदाबाद की साइड से तो यहाँ पे एग्जिट नंबर 10 है, जो कि अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे एग्जिट लेने से आप मीठापुर की तरफ, दिल्ली की तरफ या फिर जैतपुर की तरफ जा सकते हैं, और आप बदरपुर की तरफ या वापस फरीदाबाद की तरफ भी जा सकते हैं। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो अगर आप फरीदाबाद की साइड से आ रहे हैं तो आप इससे एग्जिट तो ले ही सकते हैं, लेकिन अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे दी गई है और एंट्री लेके आप सीधा कालिंदी कुंज की तरफ जा सकते हैं, महारानी बाग की तरफ, DND फ्लाईओवर की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ पे दूसरी साइड की जो लेन है लेफ्ट साइड की, उसके ऊपर भी आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से काम हुआ है। उसकी एंट्री एग्जिट जो यहाँ पे रैंप है वो आगे दी गई है, यहाँ पे मीठापुर के, यहाँ पे गोल चक्कर के आगे, तो वो आपको दिखाता हूँ। लेकिन पहले आप चलिए मीठापुर साइड, और अभी मैं यहाँ पे दोबारा सर्विस लेन के ऊपर आ चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इस मेन अलाइनमेंट के ऊपर काम पूरा कर लिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो साउंड बैरियर्स हैं वो भी इंस्टॉल कर दिए गए हैं। ये जो मेन हिस्सा है ना, यहाँ पे जो एक्सप्रेसवे की लेन है उसके ऊपर फिनिशिंग दी जा चुकी है, ओवरऑल सभी काम कंप्लीट है। पैकेज 2 का हिस्सा है और यहाँ पे काम बहुत तेजी से किया जा रहा है, फाइनल फिनिशिंग दी जा रही है, ब्यूटिफिकेशन का काम किया जा रहा है, बोर्ड्स वगैरह इंस्टॉल किए जा रहे हैं, लाइटिंग वगैरह के लिए यहाँ पे आप पिलर्स देख सकते हैं, जो यहाँ पे खंभे लगाए गए हैं उनमें अभी इलेक्ट्रिफिकेशन दी जाएगी, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जाएगा, ताकि आने वाले दिनों में आपको एक्सप्रेसवे के ऊपर नाइट में भी लाइटनिंग देखने को मिले। और फिलहाल मैं सर्विस लेन के ऊपर हूँ, बढ़ रहा हूँ मीठापुर की तरफ, और यहाँ पे आप देखेंगे ये वही हिस्सा है जहाँ पे एक बड़ा सा पियर बनाया गया था, और यहाँ पे सबसे एंड में ही आप कह सकते हैं कि यहाँ पे गर्डर लॉन्चिंग का काम हुआ और अब ये हिस्सा भी तैयार है, सामने आप देख रहे हैं। और कंपेयर करिए आज से कुछ दिनों पहले का मीठापुर और अब देखिए कितना यहाँ पे बदलाव आ चुका है। और बाकी मैं ज़्यादा आपको इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो इंफ्रा डिटेल्स हैं वो नहीं दे रहा हूँ, आप मेरे चैनल पे कई दिनों से बने हुए हैं, जो लोग नए हैं वो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसकी डिटेल्स पहले दे चुका हूँ तो इसीलिए आपको बार बार वही चीज़ नहीं बता रहा हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ पे क्या कुछ हुआ है वो दिखा रहा हूँ और आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे एक नया आप कह सकते हैं हिस्सा जो है वो तैयार है उद्घाटन के लिए। तो देखिए, आज की इस वीडियो में इतने ही रख रहा हूँ, काफ़ी दिन बाद वीडियो डाली है तो सोच रहा हूँ कि कई लोग कनेक्ट हो जाएं यहाँ पे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि यहाँ पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ एक नया हिस्सा जो कि अब तक आपको किसी और ने नहीं दिखाया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आने वाली अपडेट्स देखने के लिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। मैं आज की इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी और नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए रखिएगा आप लोग अपना ख्याल। होप टू सी यू अगेन। बाय बाय गाइज़।